हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरी वन ऑफ यू एंड वेरी वॉर्म वेलकम बैक टू लिंकिंग लॉज। और आज हम सभी बात करने वाले हैं द वेरियस इंपॉर्टेंट जीके जीएस करंट अफेयर्स पॉइंटर्स। और आज की इस बूस्टर क्लास में हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, एमसीक्यू एनालिसिस ऑन द सेम और द करंट इवेंट जो रिसेंटली न्यूज में है और आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। द रेफरेंस एग्जाम इज हरियाणा, बिहार, एमपी, दिल्ली, the various APO upcoming examination and the specific is the apple of the eye UP PCS judiciary. We are hitting the bullseye over here and we'll make sure ke dheere dheere slow and steady we will win the race. I hope that we all are ready for the upcoming challenges, dear students, and let's crack it, let's start. This is going to be the 15th part of the class. 14 session isse pehle already complete kar chuka hu main isi booster classes ka aur aaiye इसका 15 सेशन आज से शुरू करते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दीजिए इस क्लास को, जल्दी से जुड़ जाइए एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आई एम जगदीश चंद्र जांगिड, आई एम अ प्लस वेरीफाइड एजुकेटर एट एन अकेडमी एंड आई विल मेक श्योर कि आप जीके जीएस और करंट अफेयर्स को बहुत ही ल्यूसिड और सिंपल शब्दों के अंदर सीखें और अपने एग्जाम में कहीं ना कहीं ये लर्निंग आपको हेल्प कर पाए। आइए आगे बढ़ते हैं पहली क्लास और पहला क्वेश्चन, पहला टॉपिक आपके सामने। What was the suitable language for source material in the ancient times? तो जल्दी से बताएंगे प्राचीन काल की जो भी स्रोत सामग्री मिलती है हमको, ठीक है ना, उसकी उपयुक्त भाषा कौन सी थी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंशियंट लैंग्वेजेस जितनी भी हैं, कई हैं आज भी डिकोडिफाइड है, मतलब डिकोड नहीं की जा सकी, मतलब डिसाइफरमेंट नहीं हुआ उनका, बट कुछ लैंग्वेजेस जिनके बारे में हम आज भी जानते हैं डिसाइफर्ड है और जो एंशियंट मोर जो वैदिक संस्कृति से भी कहीं ना कहीं जुड़ी जा सकती हैं, वह है आपकी संस्कृत लैंग्वेज, द लैंग्वेज इज संस्कृत। तो आपको यह पता होना चाहिए कि मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज फॉर द सोर्स मटेरियल इन द एंशियंट टाइम इज द संस्कृत लैंग्वेज। आइए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। राइट, द संस्कृत इज सेड टू बी द मदर लैंग्वेज, बाकी की सारी लैंग्वेजेस जो हैं उसी के अंदर कहीं ना कहीं एवोल्यूशन के थ्रू बनी हैं। राइट, तो ये हमको पता होना चाहिए इंडो ऑस्ट्रोलॉयड लैंग्वेजेस के अंदर। चरक वॉज अ डॉक्टर इन विच कोर्ट, देखिए हमको सबको पता है चरक, इससे पहले हमने चरक संहिता के बारे में जाना था, हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि वह इंडिया के कहीं ना कहीं जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सर्जन भी हैं, इन्होंने चरक संहिता भी लिखी थी। और जो यहाँ पे महर्षि चरक हैं, यह बेसिकली इनका बताया जा रहा है कि किसके दरबार के चिकित्सक थे, यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहले पूछा भी गया है और आपको पता भी होना चाहिए अपकमिंग एग्जाम के लिए। कनिष्क, राजा कनिष्क का नाम सुना होगा, कहीं ना कहीं ये गांधार वाला और कश्मीर वाला एरिया आपने देखा होगा, राजा कनिष्क का शासन उस एरिया में हुआ करता था, ठीक है ना। तो चरक जो थे वो फिजिशियन थे, वो डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, कनिष्क के कोर्ट के अंदर, कनिष्क के दरबार। ही वॉज वन ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर ऑफ द आयुर्वेदा मेडिसिन। तो जो एंशियंट टाइम के अंदर जो आयुर्वेदा मेडिसिन वगैरह है उसमें प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर हुआ करते थे कौन, चरक। आपको पता होना चाहिए उस टाइम एंशियंट टाइम के अंदर बेसिकली आज से लगभग 2,500 वर्ष पहले आपने यहां पे चिकित्सा की और इंपॉर्टेंट जो सर्जिकल डॉक्यूमेंट्स की और सर्जिकल इक्विपमेंट्स की पूरी जो है यहां पे नॉलेज प्रोवाइड करवाई थी। और ये किसके टाइम पीरियड में थे, किसके दरबार में थे, यह प्रश्न यहां पे इंटरकनेक्ट किया जा सकता है। सो लेट अस लर्न अ वेरियस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द सेम। देखिए, राजा कनिष्क की बात की जाती है अब यहां पे, कनिष्क या कनिष्क महान जिसको कह सकते हैं, जो कुषाण साम्राज्य से, कुषाण वंश से बिलोंग करते थे। और यह कब की बात करें हम, सेकेंड सेंचुरी की बात की जा रही है। कब की बात की जा रही है दोस्तों, दूसरी शताब्दी की बात की जा रही है। तो वो अपनी मिलिट्री, पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल अचीवमेंट के कारण काफी जाने जाते थे। कनिष्क कहीं ना कहीं हमने देखा था यहां पे बुद्धिस्ट काउंसिल से भी रिलेटेड इनका नाम आता है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें रख सकते हैं। जो कुषाण एम्पायर, कुषाण साम्राज्य, ये उसके संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं, ये याद रखिएगा आपके पास में, ठीक है ना। तो गांधार है आपके पास में, पाटलिपुत्र, गांधार मतलब समझ गए, गांधार वाला कौन सा एरिया है आपका, अफगानिस्तान से लेकर के एरिया, वहां से लेकर के पाटलिपुत्र पटना तक पूरा का पूरा ये कनिष्क का साम्राज्य माना जाता था। और इनका जन्म जो बताया जाता है पाकिस्तान के पेशावर के अंदर इनका जन्म है, इनकी मृत्यु भी पाकिस्तान पेशावर की ही मानी जाती है। अगर ये पॉइंट समझ में आ चुका है तो क्या हम आगे बढ़े, शैल वी मूव फॉरवर्ड इन द क्लास, सर एंड मैम। राइट, मूविंग अहेड इन द क्लास, आई होप दैट आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते हुए जरूर चल रहे हैं। अगर आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे दोस्तों, उसके दो फायदे होने वाले हैं। रिवीजन बहुत ही सॉफ्ट और ल्यूसिड हो जाएगा, बहुत ही आसानी से नोट्स बना पाएंगे, रिवाइज अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा, नोट्स बनाने से क्या होगा कि चीजें जल्दी से मेमोराइज हो जाएगी आपको। जब आप लिखेंगे ना तो आपकी सेंसेस जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, आपकी सेंसेस जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। जब सेंसेस इन्वॉल्व हो जाएगी तो हमारा जो आसपास का डिस्ट्रैक्शन है ना, एक बार मन के बैकग्राउंड में कुछ बातें चल रही होती हैं या घर के अंदर कुछ शोर या सड़क का कुछ शोर या फिर पुरानी कुछ यादें जो आपको तंग कर रही हैं उससे बेसिकली निकल जाओगे। क्योंकि सुन रहे हो, देख रहे हो और लिख रहे हो, मतलब अपने ब्रेन को तुमने तीनों डायरेक्शन से क्या कर रखा है, कंटेंट पे फोकस कर रखा है। तो
क्लास के साथ साथ लिखने का फायदा ही अलग होता है। एक नोट्स, एक डायरी जरूर मेंटेन करो। ये 15th क्लास है, इससे पहले 14 क्लासेस हो चुकी हैं, उनको भी इसी फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, है ना, बहुत मदद मिलने वाली है। तो कनिष्क के बारे में आप देखेंगे, वहां पे तक्षशिला का बात, तक्षशिला देखा होगा, गांधार वाला एरिया देखा होगा आपने, ठीक है ना। तो यह रहा गांधार, ये गांधार, यह है तक्षशिला, ये पूरा का पूरा जो है एरिया कहीं ना कहीं इसी कुषाण एम्पायर में ही आता था। और ये देखेंगे पाटलिपुत्र वाला एरिया, तो वहां से लेकर के इस डायरेक्शन में पाटलिपुत्र तक पूरा का पूरा क्या था, ये कुषाण एम्पायर था। याद रखेंगे, कैन वी जस्ट रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरी वन ऑफ यू हु इज वॉचिंग दिस लाइव, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आइए आगे बढ़ते हैं क्लास के अंदर। अच्छा, एक और सी के बारे में सुना होगा, कुछ ऐसा दिखता है आपके सामने जिसको हम यहां पे डेड सी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेड सी कहते हैं। डेड सी क्यों कहते हैं, मृत सागर क्यों कहा जाता है, काफी सारी इसके पीछे की रोचक कहानियां और एक विज्ञान भी है, ठीक है ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, कई लोग जो हैं, जैसे अभी पीपी बता रहे हैं कि सर ये हाईजैक वाला गांधार है, बिल्कुल ये हाईजैक वाला ही गांधार है, ठीक है ना। तो जो हमारा प्लेन जो था, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बेसिकली हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त की बात है, ये बेसिकली इंसिडेंट है आज से लगभग 20 साल से भी पहले का, है ना, लगभग 18 से 20 साल का इंसिडेंट हो चुका है वो। तो उस प्लेन को हाईजैक करके वो लोग गांधार ले गए थे, है ना, गांधार ले गए थे। और उस वक्त जो हाईजैकर्स थे और हाईजैकर से मीडिएशन करने के लिए कौन गए थे, हमारे अजीत डोवाल, जो आज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, है ना, इज अ वेरी जैम ऑफ अ पर्सन, प्लीज रीड अबाउट हिम। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे मृत सागर की बात कही जाती है, कैस्पियन नहीं है दोस्तों, कैस्पियन नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। डेड सी, डेड सी कहाँ पे स्थित है? सो देखिए, याद रखना कि एक तरह का डेड सी मतलब है तो बहुत ही बड़ा सागर जैसा, परंतु अपने आप में है एक झील जैसा, इट्स अ सॉल्ट लेक, एक खारे पानी की झील है। ये कहाँ पे है? जॉर्डन की सीमा के आसपास में है, जॉर्डन और इसराइल के बीच में। ये है जॉर्डन, ये है इसराइल, और इसके बीच में है आपके पास में ये मृत सागर, डेड सी, यह याद रख लेंगे। ये जॉर्डन रिफ्ट वैली के अंतर्गत आता है। जॉर्डन रिवर जो है इसकी मेन ट्रिब्यूटरी, मतलब इसमें पानी कहां से आता है? जॉर्डन रिवर से आता है। लेक सरफेस इज अराउंड द 430 मीटर्स बिलो द सी लेवल, मतलब जो सी लेवल है, समुद्र का लेवल है, उससे भी लो, जो लगभग 435 मीटर नीचे है, मतलब समुद्री सतह से बेसिकली देखा जाए तो इतना ये बिलो सी लेवल है। एंड इट शोस द लोवेस्ट एंड द बेस्ट एलिवेशन ऑन द अर्थ, तो डेड सी इस कारण भी जाना जाता है। तो जो रिफ्ट वैली है जॉर्डन की, यहां पे उपस्थित है आपका डेड सी। ये तो एक को हो गया फैक्ट, इतना आपको बाकी और कहीं भी सीखने को मिल जाएगा। आइए इस क्लास का वैल्यू एडिशन जानते हैं, ठीक है ना। डेड सी में क्या होने वाला है? डेड सी इज अ सॉल्ट लेक, और इसका सॉल्ट कंटेंट इतना ज्यादा होता है कि ह्यूमन बींग नॉर्मली स्टार्ट फ्लोटिंग। ये बेसिकली क्या है, इधर जॉर्डन है आपका और इस साइड में आपका है इजराइल, ये है इधर जॉर्डन और ये है इजराइल, तो इसके बीच के अंदर जो ये रिफ्ट है, जो ये खाई है, इसके अंदर बेसिकली जो है यह डेड सी है। डेड सी का पानी बहुत ही ज्यादा सॉल्टी है, नॉर्मल पानी से भी कई गुना ज्यादा सॉल्टी। यू मस्ट बी एबल टू सी ओवर हियर, प्लीज प्लीज डू चेक इट ओवर हियर। यहाँ पे ये पूरा आपका वेस्ट बैंक है, ये रहा डेड सी, वेस्ट बैंक और गाजा से पता ना पैलेस्टीन, मतलब ये कुल मिलाकर के इजराइल और जॉर्डन के बीच में है, इजराइल और जॉर्डन के बीच में है डेड सी, इसका याद रख लेंगे। और यह जॉर्डन रिवर के पानी से बेसिकली इसका पानी भरता रहता है, नंबर टू थिंग। नंबर थ्री थिंग, सॉल्ट बहुत ज्यादा है इसके अंदर। नंबर फोर थिंग, समुद्र के जल स्तर, जैसे कि मेडिटेरेनियन सी की बात करूं ना मैं, तो सी लेवल के आसपास में, जबकि यह थोड़ा सा अंदर की तरफ है, देखो समुद्र से मेडिटेरेनियन सागर से कितना अंदर की तरफ है, पूरा का पूरा इजराइल क्रॉस करके मेरे को यहां तक आना पड़ रहा है। तो ये जो डेड सी है, इस समुद्र के जल स्तर से लगभग 435 मीटर नीचे है, नीचे है, मतलब समुद्र के स्तर पे नहीं है। तो यह भी पूछा जा सकता है हमको, सर इसका पीडीएफ मिलेगा? बिल्कुल सर्वेश जी, पीडीएफ मिलेगा आपको, डोंट वरी, ठीक है ना। ड्यू टू एक्सेस सॉल्ट, बिल्कुल सही कहा आपने, ये चीज समझ में आ गई कि सर जॉर्डन की रिफ्ट वैली के अंदर है, रिफ्ट वैली जो बीच में है, ये रिफ्ट है एक तरह की, मतलब जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच के अंदर बेसिकली क्या होती है, डाइवर्जेंस होती है, डाइवर्जेंस होती है, तो बीच में ये रिफ्ट यहां पे पैदा होने लगती है, रिफ्ट मतलब खाई, खाई पैदा होने लगती है, और उसके अंदर ये पानी बढ़ना शुरू हो गया जॉर्डन रिवर का, सालों साल करोड़ों साल तक ये पानी पड़ा रहा, तो धीरे धीरे क्या पड़ेगा, इसके अंदर मिनरल कंटेंट बढ़ जाएगा, और जब मिनरल कंटेंट बढ़ता रहेगा, सॉल्ट बढ़ता रहेगा, तो पानी धीरे धीरे सलाइन हो जाएगा, उसकी लवणता बढ़ी रहेगी, और जब पानी ज्यादा सलाइन होगा तो क्या होगा, ज्यादा सलाइन होगा क्या होगा, जब ये डेड सी का पानी अगर समुद्र से मिल जाता है तो सैलिनिटी थोड़ी समुद्र में मिक्स हो जाती, या तो इधर या फिर कहीं और, परंतु ये पानी बेसिकली इसी बेसिकली एंडोराइक लेक के अंदर ही जमा रहेगा। इसके कारण काफी सारी समस्या आ जाती है। समस्या ये आती है कि आपके पास में पानी का घनत्व जो है बेसिकली माना जाता है कि लगभग आप मान सकते हैं कि 35% जो है इसमें सॉल्ट कंटेंट होता है,
नॉर्मल जो सी वाटर होता है ना, जो ये नॉर्मल सी वाटर है ना, ये वाला, ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर जितना खारा पानी होगा उससे 10 गुना ज्यादा खारा पानी है, उससे भी 10 टाइम्स ज्यादा ये बेसिकली क्या है, खारा पानी रहने वाला है, और ह्यूमन बॉडी जो है इसके ऊपर फ्लोट कर पाएगी। अच्छा आप बताएंगे कि कोई भी चीज किसी भी दूसरी सतह पर तैरते क्यों है? जैसे कि आप ऑयल है, पानी की ग्लास के अंदर कभी आपने 2 बूंद ऑयल डाला तो आप देखेंगे कि वो पानी जो है, पानी नीचे रहता है, ऑयल ऊपर रहता है। क्यों? क्योंकि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, जिसका घनत्व ज्यादा, वो नीचे रहेगा, और जिसका बेसिकली टेंशन एरिया या फिर जो यहाँ पे घनत्व कम है वो ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी बेसिकली यही कॉन्सेप्ट लगता है, यही कॉन्सेप्ट लगता है। और डेड सी के अंदर बेसिकली हमारी बॉडी डूबती नहीं है, कोई भी आदमी जो है वो आराम से तैर सकता है। इवन आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप डेड सी में जाते हैं यू विल बी एबल टू रीड द मैगजीन जस्ट लाइक आई कुड टेबल पे चेयर पे बैठे, मतलब आपकी बॉडी क्या नहीं होने वाली है, आपकी बॉडी जो है यहाँ पे इट विल नॉट सिंक, यह याद रख सकते हैं आपके पास में। तो ह्यूमन बॉडी कैन इजिली फ्लोट, आराम से फ्लोट कर पाओगे, तैर पाओगे। रीड अ बुक ऑन लाई डाउन विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट बिकॉज द हाई सॉल्ट कंटेंट है ना यहाँ पे। इसको डेड क्यों कहा जाता है? नेहा जी, पीपी, ट्रिक्स, रिंकी, सारा एंड ऑल, इसको डेड कहने का पीछे रीजन है कि यहाँ पे सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है, और इतना सॉल्ट कंटेंट है सर नॉर्मल समुद्र से भी 10 गुना ज्यादा खतरनाक। तो सर समुद्र का पानी हम नहीं पी सकते, तो सोचो सर जो हम पी नहीं सकते उसके अंदर हम रहेंगे कैसे? पहली बात तो नॉर्मली तो है ही नहीं। समुद्री जीव भी जो बेचारे सॉल्ट वाटर के लिए अडेप्ट हो पाते हैं, 10 टाइम्स खतरनाक पानी के लिए वो अडेप्ट नहीं हो पाते। तो जो मछलियां हैं, जो इसके अंदर बेसिकली बाकी और कोई भी क्रिएचर्स हैं, वो कुछ नहीं पाया जाएगा। ओनली बैक्टीरियाज मिल सकते हैं आपको, कुछ आपको माइक्रोब्स मिल सकते हैं जो पर्टिकुलरली सेलाइन वाटर के अंदर ग्रो हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास में डेड सी के अंदर कुछ बैक्टीरिया मिल जाएंगे, है ना। कई जो है एल्गीज ग्रो हो सकती हैं, अलग अलग कलर की होती हैं, सेवाल जिसको कहा जाता है। ये देख लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके पास में लेक हिलर, इसको पिंक कलर के अंदर देखा जाएगा आपके पास में, है ना। ये ऑस्ट्रेलिया का एक तरह का नेचुरल वंडर है। तो यहाँ पे 10 टाइम सॉल्टियर है, ये भी क्या है, बहुत ही ज्यादा सॉल्ट कंटेंट। अब इसमें इसके कारण इस तरह के बैक्टीरिया पैदा हो गए हैं जो बैक्टीरिया सॉल्ट के अंदर सर्वाइव हो पाते हैं, इवॉल्व हो गए हजारों सालों के अंदर इस लेक के अंदर। याद रख सकते हैं सर यहाँ पे क्या उत्सुकता बढ़ी, क्या कुछ जानने को मिला। तो कभी आपको मिले कि सर न्यू ईयर डेस्टिनेशन में कंफ्यूज हूं कहां जाऊं, तो भैया डेड सी जरूर घूम के आना। जिसको तैरना नहीं आता वो कम से कम डूबेगा तो नहीं, सेफ हो, सिक्योर हो, ठीक है। चलो सर, तो इसी के साथ में हमने यहाँ पे काफी सारी चीजें सीखी। पॉइंट था हमारा सर डेड सी का है, हम उस पॉइंट को समझते हुए ज्योग्राफी के अंदर फैक्ट्स को जानते हुए प्रिंसिपल्स भी जाने हमने कहीं ना कहीं फिजिक्स के, और फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के साथ साथ में मैपिंग को भी देखा, और यह भी देखा कि इसके ऊपर क्या 4-5 प्रश्न बन सकते हैं। उसके अंतर्राष्ट्रीय लोकेशन को जानने के पश्चात हमने इसके ऊपर काफी फैक्ट्स भी समझे, और यह भी बताया कि यहाँ पे लाइफ नहीं है इसलिए यह डेड सी कहलाता है। और ऐसे यह एकमात्र एग्जाम्पल नहीं है, कई और एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि रशिया के अंदर पिंक लेक है जिसको लेक हिलर के नाम से जाना जाता है। क्या आपने ये नोट किए और कंटेंट पसंद आ रहा है तो एक थम्स अप और लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों। क्या है, इस कंटेंट को लाइक और शेयर जरूर करना, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों तक ये कंटेंट लाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के साथ में, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, द क्वेश्चन इज वेयर इज द विलो ऑफ क्रिकेट बैट डिराइव्ड फ्रॉम, है ना। तो जो क्रिकेट के बल्ले के अंदर जो विलो मतलब आपके पास में जो एक तरह का लकड़ी का प्रकार होता है, तो ये सारे जो क्रिकेट के बैट्स बनते हैं ना ये जनरली विलो से बनते हैं। विलो दो जगह से प्राप्त होता है, एक इंग्लैंड से प्राप्त होता है, इंग्लैंड का नेशनल गेम है क्रिकेट, है ना सर, एक तो वहां से प्राप्त होता है, दूसरा अपने कश्मीर, भारत में कश्मीर में बेसिकली विलो के बैट बनाए जाते हैं। ये रख लेंगे, विलो एक लकड़ी का प्रकार है, ये याद रख लेंगे। सो वेयर इज द विलो ऑफ अ क्रिकेट बैट डिराइव्ड फ्रॉम, क्रिकेट के बल्ले का विलो कहां से प्राप्त होता है? तो यह क्रिकेट बैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द विलो प्लांट ऑफ द सेलिक्स एल्बा, याद रखेंगे सेलिक्स एल्बा इस प्लांट को कहा जाता है, सेलिक्स एल्बा जो है इस प्लांट को कहा जाएगा, इसको प्लीज आप याद रखिए। और जो भी माउंटेनियस एरिया के अंदर, जो भी पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, जो माउंटेन फॉरेस्ट जिसको कहते हैं, माउंटेनियस फॉरेस्ट जिसको कहते हैं, उस एरिया के अंदर आपको पर्टिकुलर विलो के लकड़ी मिलेगी, और उस विलो की लकड़ी से हम क्या बनाने वाले हैं, विलो का बैट बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर कश्मीर से मिलती हैं, क्योंकि कश्मीर माउंटेनियस एरिया है, माउंटेनियस एरिया में माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, और इसी माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर विलो ट्री एक प्रकार का वृक्ष है, वनस्पति है, वेजिटेशन है जो वहां पाया जाएगा, और उसी ट्री का यह बैट बल्ला बनाया जाता है। अगर ये समझ में आ गया तो क्या हम आगे बढ़े, देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है अपना, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम जीके बढ़ाते जा रहे हैं। किस दृष्टिकोण से, जो यूनिक है, जो फर्स्ट है, जो रिसेंट है, जो पास्ट ईयर के ट्रेंडिंग पेपर से रिलेटेड है, उसी चीजों को हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा आइए आगे बढ़ते हैं, हम चल पड़ते हैं
पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, कुछ दो तीन कॉन्सेप्ट यहां पे डिस्कस करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने है सुप्रीम कोर्ट से, थोड़ा सा रिलेट रखेगा ये। सुप्रीम कोर्ट से कैसे रिलेशन में है सर? ये सर सुप्रीम कोर्ट से इस प्रकार से रिलेशन में, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज बीन अपडेटेड अडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को किसके संविधान से अपनाया गया है? किसके संविधान से अपनाया गया है सर, जल्दी से बताएंगे, किसके संविधान से अपनाया गया है? जो हमारी न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा का क्या मतलब हुआ? कोई भी कानून, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कोई भी लेजिस्लेचर एक्शन या फिर एग्जीक्यूटिव एक्शन को जुडिशरी रिव्यू कर सकती है, उसकी समीक्षा कर सकती है कि क्या वो कानून सम्मत है, क्या वो संविधान सम्मत है। अगर हाँ, देन ओके, इट इज लीगल, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। और अगर वो नहीं है तो यहां पे हमको अनुच्छेद 13 के बारे में पता होना चाहिए कि एनी ट्रीटी और द एक्शन प्री और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हैज टू बी इन कंसिस्टेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान बनने के पहले का कोई ट्रीटी या कानून और एक्शन, या संविधान के बाद का कोई कानून, कोई एक्शन या कोई ट्रीटी, दे हैज टू कंफर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान के अनुरूप होनी चाहिए। अगर वो संविधान के अनुरूप नहीं है, कई फंडामेंटल राइट, बेसिक स्ट्रक्चर या संविधान के प्रोविजन के अनुरूप नहीं है, उसके स्पिरिट के अगेंस्ट है, सो इट विल बी हेल्ड void, उसको unconstitutional करार दिया जाएगा। तो यह concept हमने उठाया सर अमेरिका से, the judicial review, the concept जो है हमने American constitution में लिया, क्योंकि अमेरिका के constitution में क्या है? judicial supremacy है, वहाँ पे executive supreme नहीं है, वहाँ पे legislature भी supreme नहीं है, याद रखना, judiciary is supreme। और जबकि हमने ब्रिटेन में पढ़ा था, ब्रिटेन में क्या है? legislature is supreme, ब्रिटेन की जो parliament है, that is the really very powerful, really very powerful, क्योंकि that itself is writing the every piece of paper, that itself is considered as a constitution, क्योंकि वहाँ unwritten, अलिखित संविधान है, जबकि अमेरिका में भारत की तरह लिखित संविधान है। हमने preamble का idea भी अमेरिका से लिया है, हमने fundamental right का idea भी bill of right अमेरिका से लिया है, यहाँ तक कि हमारे article 13 के अंतर्गत जो judicial review और doctrine of eclipse की यहाँ पे समीक्षा की जाती है, कहीं न कहीं उसकी अवधारणा भी हमने अमेरिकन संविधान से ली है। तो अगर पूछा जाए कि सर हमने क्या क्या चीज कहां से डिराइव किए, सो यू मस्ट बी इन पोजीशन टू टेल अस द राइट आंसर, राइट? तो याद रखेंगे आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या कहता है, एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट दैट एब्रिजेस द राइट कन्फर्ड टू द पीपल अंडर द पार्ट 3, के पार्लियामेंट के द्वारा ऐसा कोई भी कानून बना गया जो कि पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट को एब्रिज करता है, एब्रोगेट करता है, उसका वायलेशन करता है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन इट विल बी void ab initio, void ab initio का क्या मतलब हुआ? टू बी ट्रीटेड एज इनवैलिड, तो बोले वह इनवैलिड होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, वह बेसिकली इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। दैट इज ट्रू सर, दैट इज ट्रू, है ना? फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई भी कानून यहां एग्जिस्ट नहीं कर सकता बाय लेजिस्लेचर, दैट इज द जुडिशियल रिव्यू। यह पॉइंट समझ में आ गया हमको, दिस पॉइंट इज रियली क्लियर टू अस, देन वी मूव अहेड। तो यूएसए वह कंट्री है जहां से हमने जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट अपनाया है। मूविंग अहेड सर, The idea of the concurrent list in the Indian Constitution has been borrowed from where? देखिए, Indian Constitution के अंदर various parts हैं, various schedules हैं, right? तो उसी के अंदर schedule जो हैं, जिसको हम अनुसूची भी कहते हैं, हमारे पास में total 12 schedules हैं। 12 schedule में जो 7th schedule है, सातवां schedule है, सातवीं अनुसूची जिसको कहा जाता है, जिसमें कि center और state के बीच के जो federal subjects decide किए जाते हैं, there are the 3 lists. Number 1 is the state list. नंबर 2 इज द सेंटर लिस्ट, नंबर 3 इज द कंकरेंट लिस्ट। तो सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट तीन सूचियां हैं, और फिर कुछ बाकी के बचे हुए यहां पे रेजिडुरी सब्जेक्ट्स हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है आपके पास में कि जो कंकरेंट लिस्ट, जिसको समवर्ती सूची कहते हैं, जिसपे राज्य व केंद्र दोनों ही बेसिकली कानून बना पाएंगे, मतलब पार्लियामेंट व विधानसभा दोनों के पास में ही क्या होगा, कानून बनाने की शक्ति होगी, पर अगर वह पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है तो प्रायोरिटी उसको दी जाएगी, कंकरेंट लिस्ट उसको कहा जाता है, समवर्ती सूची। प्रश्न का नेचर यह है, यह पूछ रहा है समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया गया है? The idea of concurrent list is borrowed from which country? तो सर यहां पे बहुत ही importantly आपको पता होना चाहिए एक ऐसी कंट्री का नाम जहां से बेसिकली हमने इसको उठाया है, ठीक है ना? वही जहां से अभी हमने पढ़ा पिंक लेक, क्या हमने पिंक लेक के बारे में पढ़ा, द सॉल्ट वाटर पिंक लेक, है ना, द वंडर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, राइट? तो ऑस्ट्रेलिया से बेसिकली हमने ये कंकरेंट लिस्ट को उठाया है, ठीक है ना? तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना पाएंगे किसी विषय के ऊपर, कंकरेंट लिस्ट में अगर वो विषय है तो समवर्ती सूची के अंदर जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों के ऊपर राज्य व केंद्र दोनों को ही यहां पे लेजिस्लेटिव पावर्स होती है, दे विल बी एबल टू मेक द लॉ। दैट इज वेरी मच अंडरस्टूड। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर, एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट ऑस्ट्रेलिया भी जो है कहीं ना कहीं कॉलोनी रहा है ब्रिटिशर्स की। ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो कॉमनवेल्थ नेशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच, अच्छा
आगे बढ़ने से पहले स्केड्यूल सेवन सॉरी गाइस, स्केड्यूल सेवन में तीन तरह की लिस्ट है हमारे पास में, सेंटर, स्टेट एंड कंकरेंट, है ना। तो सर यहां पे एक और रेजिडरी सब्जेक्ट्स भी आते हैं, जो इन जो सब्जेक्ट जो विषय इनमें सब में नहीं आते इनको रेजिडरी सब्जेक्ट्स कहते हैं, है ना। रेजिडरी सब्जेक्ट जो इन तीनों के अंदर वो विषय नहीं आए वो रेजिडरी है, जो इवॉल्विंग है ना। अब जो रेजिडरी सब्जेक्ट्स हैं वो सेंटर के पास में रहते हैं, सेंटर विल बी एबल टू मेक रूल रेगुलेशन एंड लेजिस्लेशन अपॉन दैट, फेयर इनफ सर। एंड नाउ यू प्लीज बी माई गेस्ट एंड टेल मी कि रेजिडरी सब्जेक्ट सेंटर के पास में रहेगा, यह चीज हमने कहां से उठाई है, फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन दिस कॉन्सेप्ट, From where we have taken this concept? Please go ahead and let me know the answer of the same. Yes, sir. Residuary subjects हमने कहाँ से लिए हैं? Number one thing, residuary subject जो हैं केंद्र सरकार के पास में रहेंगे, यह चीज हमने ली हैं कनाडा से. We have taken this concept from the Canada. ठीक है ना, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, इसलिए मैंने बताया। सो विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज रिजल्ट ऑफ द इकोनॉमिक डिप्रेशन। देखिए इकोनॉमिक डिप्रेशन की यहाँ पे बात करें या आर्थिक मंदी की बात करें, मतलब आपकी इकोनॉमी सर अच्छी चल रही है, अच्छी चल रही है, अच्छी चल रही है, फिर अचानक से बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड एंड सप्लाई कम हो जाती है और उसके कारण बेरोजगारी बढ़ जाती है, बेरोजगारी बढ़ती है, वापस बढ़ती है, वापस घटती है, वापस बढ़ती है, वापस घटती है। तो ये जो नीचे वाले पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डिप्रेशन, आर्थिक मंदी। क्योंकि आर्थिक गतिविधियां जो भी हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो भी हैं, वह बंद हो जाती हैं या कम हो जाती है, जैसे कि कोविड 19 के टाइम हुआ, कोविड 19 के कारण हुआ। क्या होता है आपके पास में, सपोज एक फैक्ट्री है, हर रोज 1000 मजदूर काम कर रहे हैं, उसमें हर रोज करोड़ों का सामान बनाया जा रहा है। कोविड 19 के कारण बेसिकली माइग्रेट करके सारे के सारे मजदूर, या फिर एक तरीके से हेल्थ कंडीशन हो गई, या फिर रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा, मजदूर बैठे हैं, तो मालिक क्या करेगा कि भैया आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम चले जाओ घर महीने दो महीने के लिए, कोविड 19 जब तक सही नहीं हो जाता, रेस्ट्रिक्शन जब तक हट नहीं जाते। ये क्या हुआ सर हमारे पास में, एक मार्केट कंडीशन के कारण, एक हेल्थ कंडीशन के कारण, या किसी और कंडीशन, जैसे इंटरनली या एक्सटर्नली कोई भी कंडीशन हो सकती है जिसके कारण जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं दे कॉलैप्स, यहां पे क्या आ जाता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है, मंदी आ जाती है मार्केट में। कहते हैं ना सर चीजें बिक ही नहीं रही हैं, मार्केट में मंदी है, डिमांड है ही नहीं, और जब डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई करने के लिए फैक्ट्रीज काम करेगी क्या, फैक्ट्रीज के अंदर मजदूर काम करेंगे क्या, तो क्या मजदूरों को जब काम नहीं मिलेगा क्या वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, क्या वो बेरोजगार हो जाएंगे? हाँ। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि जो यहां पे इकोनॉमिक डिप्रेशन से, आर्थिक मंदी से किस प्रकार की बेरोजगारी होती है, तो आपको पता होना चाहिए आर्थिक मंदी जब आती है कहीं कहीं उसको पिक भी किया जाता है, जैसे कि कोविड 19 के कारण मंदी कम हुई, मंदी हो गई आपके पास में मार्केट में, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया कहीं ना कहीं, और हमारी जीडीपी भी स्क्रिंक हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, काफी सारी जनता अपना जॉब लूज कर जाती है, पर धीरे धीरे हम वी शेप रिकवरी की तरफ भी जा रहे हैं, वी शेप और यू शेप रिकवरी की तरफ भी जा रहे हैं, और धीरे धीरे हम उसको वापस आगे भी कर रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में वापस यहाँ पे ओमिक्रॉन या फिर कोई दूसरे वेरिएंट के कारण, सपोज एग्जांपल के तौर पे, भविष्य में लॉकडाउन लगा तो वापस एक्टिविटी नीचे की ओर, वापस इकोनॉमिक डिप्रेशन और वापस बेरोजगारी। तो यह क्या हो रहा है आपके पास में, जब डिमांड एंड सप्लाई पिक कर रही है तब बेसिकली क्या हो रहा है, जब आर्थिक गतिविधियां ऊपर है तो बेरोजगारी खत्म हो रही है, रोजगार बढ़ रहा है, जब इकोनॉमिक डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं वापस, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे वापस बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये क्या एक साइकिल है या नहीं, साइकिल है या नहीं है? तो यहां पे ये चीज याद रखना है कि चक्रीय बेरोजगारी, जिसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, याद रखेंगे। तो कोई भी चीज मार्केट में 12 महीने उसकी डिमांड नहीं रहती है, कहीं ना कहीं मार्केट में उसकी मंदी जरूर आती है। हर चीज देख लीजिए, हर चीज का एक सीजन रहता है, हर चीज का एक सीजन रहता है, हर वस्तु का, हर सेवा का, और उस सीजन में वो ज्यादा बढ़ती है और उससे रिलेटेड लोगों को रोजगार मिलता है, और जब उसका सीजन हट गया या उसकी डिमांड या सप्लाई हट गई या उसमें मंदी आ गई, तो मार्केट में बेसिकली मंदी से क्या होगा, सप्लाई कम होगी, और सप्लाई कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लोगों को ऑफसेट करना पड़ेगा, यहाँ पे रोजगार से हटाना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वापस जब आएगा 4-6 महीने में सीजन, वापस उनको बुला लिया जाएगा। तो यही चीज चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। तो जब भी डिप्रेशन होगा मार्केट में, है ना, तो उसके कारण किस टाइप का बेसिकली बेरोजगारी फैलता है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इतना सा याद रख सकते हैं, इट इज कीपिंग ऑन राइजिंग, कीपिंग ऑन फॉलिंग अलोंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी। जैसे ही आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट हट जाएगा, जैसे आर्थिक गतिविधियां कम हो गई वैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो ये सिंपल सा पॉइंट है अभिमन्यु जी, आई होप दैट वी आर सर्टेन विद दैट। तो साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट के बारे में जरूर समझिएगा इसके अंदर। अब हम चल पड़ते हैं कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट से एक कदम पीछे, भारत निर्माण की ओर। 1990 का दशक या 20वीं शताब्दी के अंत तक हम यह चीज समझ चुके थे जो गांधी जी ने कहीं ना कहीं आजादी के टाइम भी बोली थी। गांधी जी ने क्या कहा था, द इंडिया लिव्स इन विलेजेस। अगर आपको भारत को आगे बढ़ाना है,
भारत को आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं आपको फोकस करना होगा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेसिकली रूरल एरिया के अंदर। तो यहां पे है कि जो भारत निर्माण योजना आई थी उसका उद्देश्य क्या था। भारत निर्माण योजना का उद्देश्य था आपके पास में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण बुनियादी ढांचों का विकास करना। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जी स्कीम थी। 1980 से बेसिकली इसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया था। जितने भी बिजनेसेस प्लान बनाए जाते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हम उठा सकते हैं, काफी सारे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास में इकोनॉमिस्ट हैं वह इसके अंदर ग्रोथ स्टोरी के अंदर पार्टिसिपेट भी करते हैं। कंट्री के रेगुलेटर्स को यहाँ पे अपडेट किया जाता है, रूल रेगुलेशन प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन स्कीम्स जो है कुल मिलाकर के यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाई दी जाती है। तो भारत निर्माण किसकी ओर है, चले नए आजादी की ओर, है ना, टूवर्ड्स द न्यू फ्रीडम, एंड दैट इज बेसिकली फॉर द रूरल डेवलपमेंट। तो इसका लक्ष्य समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। एक स्कीम भी आई थी आपके पास में 16 दिसंबर 2005 को, कौन सी व्यापक रोजगार यहां पे योजना दी गई है, कौन सी व्यापक रोजगार योजना दी गई है, इसका नाम हम यहां पे जानने की कोशिश करेंगे। उसका बेसिकली आपके पास में नाम रहने वाला है नरेगा। क्या नाम रहेगा सर? नरेगा यहां पे नाम रहने वाला है। 2005 के अंदर बेसिकली हमारे पास में क्या आई थी, महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया, और यही तरह की सोशल सिक्योरिटी थी कि इन लोगों को जिनको काम नहीं मिल रहा है, व्हाट वी विल डू कि हर घर में से किसी न किसी व्यक्ति को उठाएंगे और 365 दिन मतलब एक साल में से 100 दिन 150 दिन तक बेसिकली हम इनको एक पर्टिकुलर मिनिमम वेज तय कर दिया जाएगा, उसके ऊपर इनको जॉब दिया जाएगा, इनका जॉब कार्ड बनेगा, दे विल गो टू वर्क, इनको काम बताया जाएगा तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, दे विल परफॉर्म द वर्क, मैनुअल वर्क जो भी होगा, अनस्किल्ड वर्क, ये अनस्किल्ड है मतलब ऐसा काम है जो हर कोई व्यक्ति कर सकता है, अलग से कोई स्किल नहीं चाहिए कि सर पढ़ा लिखा होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, नो सर। तो यहां पे यह एक्ट पास होता है अगस्त 2005 के अंदर, याद रखना। और उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे मनमोहन सिंह, यूपीए गवर्नमेंट थी। कौन सी गवर्नमेंट थी दोस्तों? UPA 1 गवर्नमेंट यहां पे थी, याद रखेंगे। और यह इंप्लीमेंट कब होता है? इंप्लीमेंट जो है कहीं ना कहीं यह फोर्स में आ गया 2016 से या फिर 2006 से, 2016 इज रॉन्ग, 2006 से इसको हमने इंप्लीमेंट करना शुरू किया। सर यहां पे करंट अफेयर्स की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जब हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे दोस्तों, तो 2021 में अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी दिवस के रूप में का 2021 में अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस का विषय क्या है? सो यहाँ पे इंटरनेशनल वॉलंटियर डे की हम बात कर रहे हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर डे है दोस्तों, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे है, इस वक्त उसकी थीम क्या रही है? थीम रही है हमारा साझा भविष्य के लिए अब स्वयंसेवक काम आने वाले, वॉलंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। देखिए वॉलंटियर्स कौन होते हैं? द वॉलंटियर्स और स्वयंसेवक, इसको आरएसएस से मत जोड़ना आप लोग, है ना, स्वयंसेवक संघ, है ना, वो एक अलग चीज हो गई, ठीक है ना। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो वॉलंटियर्स हैं, जो स्वयंसेवक हैं, दे आर कमिंग फॉरवर्ड फॉर द कॉमन फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। तो साझा भविष्य को बनाने के लिए कैसे हम यहाँ पे जो हैं स्वयं सहायता कर सकते हैं, हमारे समाज को बदलने के लिए कैसे हम लोग फ्रंट पे आ सकते हैं, द पीपल विल बी गिविंग द टाइम मनी डिवोशन, राइट, सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो वॉलंटियर्स के बारे में भी जानना चाहिए, इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे के बारे में, ठीक है ना। 5 दिसंबर इसी महीने का डे है सर, 5 दिसंबर को हम यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना। वॉलंटियर्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए काम करने वाले। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमको पता होने चाहिए 2015 से 2030 तक यूनाइटेड नेशन के द्वारा तय किए गए हैं कि हम हर कंट्री जो है इन पर्टिकुलर गोल्स की तरफ आगे बढ़ेगा। तो देर आर द 17 गोल्स दैट वी मस्ट हैव लर्न, ठीक है ना। तो यहाँ पे यह दिन दुनिया भर में स्वयंसेवकों के योगदान को मान्यता देता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2001 से स्वयंसेवकों के रूप में इस दिवस को 5 दिसंबर को चिन्हित किया है। यह याद रखेंगे, इंटरनेशनल वॉलंटियर ईयर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर भी याद रख सकते हैं, 2001 को माना गया था, ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस की थीम जो इस साल है, स्वयंसेवक अब हमारे साझा भविष्य के लिए, यह बात बोल दी गई है, वॉलंटियर नाउ फॉर द कॉमन फ्यूचर। तो जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस उनकी थीम है ना, और यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था जो है वो पर्टिकुलर हर साल जो है, एवरी ईयर जो है, किसी न किसी पर्टिकुलर थीम को लेकर के, किसी न किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के, इवेंट को लेकर के डेडिकेट करती है। जैसे 2001 का वर्ष जो था वो इस सेंचुरी का पहला वर्ष, वह स्वयंसेवकों को लिए यहाँ पे चिन्हित किया गया है। तो यहाँ पे यह भी पूछा जा सकता है आपके पास में, यह भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे 2001 को जो है यूनाइटेड नेशन ने किसके लिए चिन्हित किया, किसके लिए सिग्निफाई किया, दिस पॉइंट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ द सिविल एविएशन फॉर द सीमलेस एयर ट्रेवल।
सीमलेस एयर ट्रैवल के लिए हमने एयर सुविधा पोर्टल शुरू किया है, इसके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं और बेसिकली इसको थोड़ा सा रिविजन के एस्पेक्ट से बताना चाह रहा था आपके पास में, ठीक है ना। आगे हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे एलसीआरडी के बारे में। एलसीआरडी के बारे में भी हमने यहाँ पे कल जानने की कोशिश की थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने यहाँ पे जाना था कि नासा है वो एलसीआरडी आपके सामने लेके आया है। एलसीआरडी में क्या होगा, लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है, मीन्स यहाँ पे इंटरनेट बेस्ड सारी की सारी व्यवस्था की जाएगी, ठीक है ना। और काफी सारी चीजें हैं कि जो आइडिया है, आइडिया के अंदर हमारे जो सुनील अरोड़ा जी हैं उन्होंने ज्वाइन किया है, और सुनील अरोड़ा जी ने बेसिकली ज्वाइन किया, ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं भारत के। आइडिया जो है बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक बेसिकली एनजीओ है। क्या है ये एनजीओ है, तो हमारे भूतपूर्व अभी वर्तमान में नहीं, भूतपूर्व जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा हैं, इनको इनवाइट किया गया है कि सर आप बोर्ड पे आइए, हमारे साथ आइए, और जो अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट है डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के अंदर, इसमें आप बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिसेस को देने में सहायता कीजिए। तो यहाँ पे स्टॉकहोम, स्वीडन जैसी कंट्रीज के अंदर बेसिकली यहाँ पे जो स्थापित ये संस्था है आइडिया, इसके अंदर बेसिकली हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया जाता है। इनका नाम याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। वर्ल्ड मलेरिया के अंदर बेसिकली यहाँ पे काफी सारी संख्याएं बताई जा रही है कि लगभग 6.27 लाख जो लोग हैं पिछले 2020 के अंदर मलेरिया के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। लगभग 6 लाख से भी ज्यादा, 6.25 लाख के लोग जो है लगभग इनकी यहां पे इतनी संख्या में मृत्यु हो जाती है। दैट इज रियली रियली पैथेटिक टू नो। तो यहां पे WHO के द्वारा ये रिपोर्ट लाई जाती है कि सर लगभग 241 मिलियन मलेरिया केसेस हैं, और यहां पे हर पिछले साल 2002 के अंदर लगभग 6,27,000 लोगों की जो है मृत्यु हो जाती है मलेरिया के कारण। दैट इज अ रियली कंसर्निंग कॉज, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट। आइए हम अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं जिसको हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, जीके सेक्शन कह रहे हैं। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान टका सिक्का निम्नलिखित में से किस धातु का डाला गया था। देखिए जो टका होता था ना, अपन कहते हैं ना सर ये तो 1 टके का 2 टके का 4 टके, तो टका था क्या था आपके पास में, टका जो थी एक तरह की मुद्रा थी, एक तरह का सिक्का हुआ करता था दिल्ली सल्तनत के समय। अब ये कह रहे हैं कि ये किस मेटल का बनता था, विच मेटल इट इज डिराइव्ड फ्रॉम। सर टका जो है वह सिल्वर का था। किसका था सर, दिल्ली सल्तनत के समय जो ये टका था, ये टका ये सिल्वर का हुआ करता था, याद रखेंगे। टका जो दिल्ली सल्तनत के कारण के समय जो एक बेसिक कौन सी धातु से बनता था, सिल्वर धातु से, चांदी से जो है इसको बनाया जाता है सर। अपार्ट फ्रॉम इट इसकी जो हिस्ट्री भी देख सकते हैं आप, है ना। तो यहां पे द हिस्ट्री ऑफ द टका ऑल्सो नोन एज द टका और टंका, है ना, इट रेफर एज वन ऑफ द मेजर हिस्टोरिकल करेंसीज इन एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और तिब्बत के अंदर जो है टका को बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। 14वीं शताब्दी के अंदर जो है बेसिकली यह करेंसी भी रहा है, जो सिल्क रोड है ना, जो चाइना से लेकर के सेंट्रल एशिया तक और यूरोप तक बेसिकली कनेक्ट करता है, ये सिल्क रूट था पूरा। और इस सिल्क रूट की जो मेजर करेंसी क्या थी, सिल्क रूट पे बेसिकली किसी को कुछ भी सामान खरीदना फरोख्त करना, तो ये सारी जो चीजें खरीद फरोख्त के लिए जो चीजें यूज होती थी, जो करेंसी यूज होती थी, वह जैसे आज डॉलर यूज होता है अंतरराष्ट्रीय ट्रेड के अंदर, उस वक्त सिल्क रोड के अंदर बेसिकली जो करेंसी यूज होती थी ये टका होती थी, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। 14वीं शताब्दी 14th सेंचुरी की बात कर रहे हैं मनोरमा जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है या नहीं है जल्दी से बताएंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे वैष्णव संत रामानुजन की बात की जा रही है कि रामानुजन जो वैष्णव संत हैं इनका जन्म स्थली कहाँ है। देखिए साउथ इंडिया के अंदर आपके पास में जन्म स्थली इनकी तमिलनाडु, कहाँ है सर, तमिलनाडु में जो है वैष्णव संत रामानुजन का जन्म हुआ था, है ना, तमिलनाडु जो वर्तमान तमिलनाडु राज्य है उसके अंदर। अच्छा इसके स्पेसिफिकली अगर आप जानने की कोशिश करेंगे, जो आज का आधुनिक चेन्नई है, जो मॉडर्न डे चेन्नई है ना, उसके पास यहाँ पे श्री पेरू बंदर एक एरिया है। क्या नाम है आपके पास में, श्री पेरू बंदर, है ना। यहाँ पे इनकी माँ कंथीमती और पिता असुरी केशव, है ना, इनका बेसिकली यहाँ पे जन्म हुआ था। ये माना जाता है कि उनका जन्म क्षेत्र महीने की यहाँ पे तिरुवा दिराई के तारे के तहत हुआ था, जो क्षेत्र माह का इनका बताया जाता है। और रामानुजन थे कौन, सेंट थे, नंबर वन हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट में इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट निभाया था, जो हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने के लिए शंकरा फिलोसफी जो है उसको इन्होंने आगे बढ़ाया रामानुजन ने, याद रखाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। अगेन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, यहाँ पे बागनाथ मंदिर है। सर बागनाथ मंदिर की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो बागनाथ मंदिर जो उत्तराखंड के अंदर बेसिकली बागेश्वर यहाँ पे क्या है, एक तरीके से एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है उत्तराखंड का बागेश्वर, है ना। तो यह भी इंपॉर्टेंट सी बात हो जाती है, यह भी इंपॉर्टेंट सी बात हो जाती है। सर इन वीडियो PDF नहीं है क्या, इन वीडियो PDF नहीं है क्या, व्हाट डू यू मीन्स आई, ठीक है ना। तो यहां पे बागेश्वर मंदिर का है, बागेश्वर जिला उत्तराखंड, यहां पे आपके पास में बागेश्वर टेंपल मिलने वाला है आपको। बागेश्वर जो है एंशियंट श्राइन है भगवान शिव का, कौन सी नदी के किनारे हैं, सरयू और गोमती नदी, जहां पे दोनों मिलती हैं, सरयू नदी और गोमती नदी जहां पे मिलती हैं वहां पे ये बागेश्वर मंदिर है। क्या याद रख सकते हैं आपके पास में, बागेश्वर मंदिर, बागेश्वर टेंपल इन द बागनाथ
डिस्ट्रिक्ट राइट। तो यहां पे बागनाथ टेम्पल इज फेस्टर्न बेल विद द ऑल साइजेस फीचर इंप्रेसिव कार्विंग एंड इट इज मोस्ट फेमस टेम्पल ऑफ द बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। तो बागनाथ मंदिर है और बागेश्वर जिला है, यह याद रखेंगे, है ना। तो घंटियों से सुसज्जित और काफी सारी अच्छी खासी नक्काशी इसमें की गई है, यह भी याद रख सकते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नोन एज द कॉपर सिटी। कॉपर सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? देखिए सर, यहां पे रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और अल्मोड़ा चार जिलों के नाम लिखे गए आपके साथ में। अल्मोड़ा इसमें से एक प्लेस है, इसको बेसिकली कॉपर सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है राइट। यहां पे जब भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या मतलब होगा? औद्योगिक क्रांति, है ना। तो रोम ने कॉपर सिटी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की थी क्योंकि इसके धातु उद्योगों ने अमेरिका के सभी तांबे का जो है अनुमानित 10% उत्पादन किया था, ठीक है ना। थ्रू आउट द सेंचुरीज और ग्रेट सिटीज हैज बीन होम टू द मेनी ऑफ आवर कंट्रीज पायनियरिंग माइंड्स एंड द रिमार्केबल पैट्रियट। और इसमें बेसिकली अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो जो डिस्ट्रिक्ट है आपके पास में, जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से अल्मोड़ा देखेंगे, 9 नंबर जिला, ये रहा आपका अल्मोड़ा, ये रहा, ये पर्टिकुलर है, इसको कॉपर सिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है अल्मोड़ा को? कॉपर सिटी बोला जाता है। कहीं ना कहीं हमारे मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो, और अभी वर्तमान में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4th या 5th चल रहा है उसके अंदर जो है सेमीकंडक्टर चिप्स है, क्योंकि यहाँ पे हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में सेमीकंडक्टर चिप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और उनका प्रोडक्शन बहुत ही क्रूशियल रहता है, इनका प्रोडक्शन बहुत ही क्रूशियल रहता है फॉर इंडस्ट्रीज टू ग्रो, फॉर द इंडस्ट्रीज टू ग्रो, है ना। एक वक्त था जो प्राइमरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जाता सबसे प्राथमिक में, उस वक्त बेसिकली यहाँ अल्मोड़ा से कॉपर भी निकाला जाता था, इस कारण इसको कॉपर सिटी भी कहा जाता है। प्लीज नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। सार्वजनिक वितरण प्रणाली या फिर जिसको PDS कहते हैं, उचित मूल्य की दुकान, देखिए राशन की दुकान, वहां पे क्या होता है? सार्वजनिक वितरण होता है कि नहीं होता है? तो यहां पे इसके पीछे तर्क क्या है? हम लोगों को बेसिकली जो है गेहूं खरीदती है सरकार MSP के ऊपर 20 रुपए, 18 रुपए, 15 रुपए में, और लोगों को 1 रुपए के अंदर दे रही है, 1 रुपए के अंदर दे रही है, 2 रुपए के अंदर गेहूं दे रही है। सर ऐसा क्यों कर रही है? Why government is doing it? और कुछ बार तो अभी जैसे आपके पास में प्रधानमंत्री अन्न जो है गरीब कल्याण योजना फ्री के अंदर यहाँ पे अनाज दिया जाता था, पूरे भारत में कई गरीबों को बेसिकली दिया गया, जो जो बेसिकली माइग्रेंट्स है उनको दिया गया, कई लोगों की जिनकी जॉब छिन गई उनको दिया गया, जो भी वल्नरेबल सेक्शन है, कमजोर तबका है हमारे सोसाइटी का, उसको दिया गया। तो वाई वी बेसिकली डू दैट? हम ये सार्वजनिक वितरण क्यों करते हैं? उसके पीछे तर्क क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS शॉप के पीछे रैशनल क्या है? क्या हम कीमतों को नियंत्रित करना चाहते हैं कि सर प्राइसेस कंट्रोल रहेंगे, या फिर जो भी प्राइसेस के अंदर जो फ्लक्चुएशंस हो रही है उसको यहाँ पे जो है उतार चढ़ाव को कम किया जाएगा, या फिर जो एसेंशियल तो या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो भी एसेंशियल गुड्स का उसको सही कर सकेंगे, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये सारे के सारे? तो आपको पता होना चाहिए सारे ही है। इससे क्या रहेगा? प्राइसेस का फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होगा, कम प्राइसेस के अंदर जनता को सामान मिल पाएगा, पहली बात। तो इससे बेसिकली जो है उतार चढ़ाव भी कम हो जाएगा, प्राइसेस भी कंट्रोल में रहेंगे, और दूसरा जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका वितरण सुनिश्चित होगा, कोई भंडारण नहीं हो पाएगा उसका कोई स्टॉक करके नहीं रख लेगा एक आदमी, उस पर मोनोपोली नहीं होगी, है ना। जो चीज आपको चाहिए, अनाज चाहिए, एक वक्त केरोसिन इंपॉर्टेंट हुआ करता था, एक वक्त सॉल्ट भी जो है PDS की शॉप पे मिलता था, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वह आपको आवश्यक वस्तुओं का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए। सो इक्विटेबल यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि हर व्यक्ति को सही दर पे अफोर्डेबल। तो यहां पे 3 A आते हैं, क्या आते हैं? देर आर द 3 A विच इज इंपॉर्टेंट, मनोरमा, मरियम, नेहा, रिंकी, 3 A समझिए, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मतलब चावल, सर बाहर जाऊंगा 30 रुपए 60 रुपए किलो है, PDS में जाऊंगा 2 रुपए 1 रुपए किलो, गेटिंग इट, अफोर्डेबल हो गया मेरे लिए। दूसरी है अवेलेबिलिटी, सर चावल में मार्केट में लेने की कोशिश कर रहा हूं, 100 लोग खड़े हैं और चावल सिर्फ 10 किलो है, सर बाकी 90 लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना। पर हमारे यहाँ पे बेसिकली जो सरकार ने प्रोक्योर कर दिया, FCA ने प्रोक्योर कर दिया, अब वो अवेलेबल भी होगा, और अवेलेबल भी ऐसा होगा कि सर आपके एरिया के अंदर एक PDS शॉप है, 100, 200, 500 मीटर के अंदर एक PDS शॉप मिल जाएगी, मतलब 1-2 किलोमीटर में आपको PDS शॉप मिल जाएगी, मतलब आपके घर के पास है। अब आपको दूर दूर नहीं जाना है, सुदूर नहीं जाना है कहीं पे, है ना, अपने गांव को छोड़ करके कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपनी कॉलोनी को छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं, लगभग 500 मीटर 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ही बेसिकली आपको क्या मिल जाएगी? एक PDS शॉप, राशन शॉप मिल जाएगी, ठीक है ना। और
अफोर्डेबिलिटी अवेलेबिलिटी के अलावा एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबल मतलब अवेलेबल है पर क्या मेरे को मिलेगा? हाँ मिलेगा, आप सिर्फ आप एक राशन कार्ड लेके जाओ। और अभी तो हमने क्या क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड कर दिया कि अवेलेबिलिटी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यूपी का एक लेबरर है, राजस्थान का एक लेबरर है, वो गुजरात में, पंजाब में या फिर साउथ इंडिया में जाकर के, महाराष्ट्र में जाकर कहीं जॉब कर रहा है, उसका राशन जो है वो सिर्फ पहले क्या था स्टेट स्पेसिफिक होता था, अब यहाँ पे क्या कर दिया नेशनल इंटीग्रेशन कर दिया, नेशनल इंटीग्रेशन कर दिया। मतलब अभी कश्मीर का एक लेबरर है, अगर मेरा राशन कार्ड जैसे राजस्थान का है, मैं कश्मीर में जाके भी अनाज ले सकता हूं, मैं नागालैंड में जाके भी अनाज ले सकता हूं, मैं तमिलनाडु में जाके भी अनाज ले सकता हूं, प्रोवाइडेड लीगल रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो कुछ, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है प्रतिभाजी, ठीक है, यह पॉइंट याद रखना है। तो क्या पता चला, क्या तर्क है, क्यों लोगों को बेसिकली यहां पर जो है पीडीएस के थ्रू राशन दिया जा रहा है? अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, प्राइस कंट्रोल, प्राइस में फ्लक्चुएशन को रोकना, और इक्विटेबल मतलब समान वितरण हो, इसके लिए हम यह सुनिश्चित करते हैं। गिव मी अ थम्स अप अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया हो तो, राइट। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होगा, फार्मर जो भी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, हम एमएसपी दर के ऊपर सरकार की एक एफसीआई करके एक एजेंसी है, वो बेसिकली बफर स्टॉक की तरह इस सारे के सारे अनाज को खरीद लेगी, ठीक है ना। और यहाँ पे उसी अलोकेशन, जैसा सपोज यहाँ पे बेसिकली लाखों किलो बेसिकली जो है टन्स की फॉर्मेट में एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार खरीद लेती है, फिर अलग अलग राज्य को ये वितरण कर देती है। सपोज सर 1000 किलो राजस्थान को, 1000 किलो अलग राज्य को, हर एक राज्य को बेसिकली वितरित किया जाता है, ठीक है ना। और उसके थ्रू बेसिकली ये सरकार फिर क्या करेगी, पीडीएस शॉप को, है ना, फेयर प्राइस शॉप जिसको उचित मूल्य की दुकान कहते हैं, वहां पे इस अनाज को बेचती है, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है ग्रेन को। मतलब केंद्र सरकार ने एमएसपी के ऊपर एफसीआई ने प्रोक्योर कर दिया, एफसीआई ने राज्यों को दे दिया और राज्य आगे उसको बांटने का काम करते हैं। यह क्लियर हुआ, यह क्लियर हो गया ना, अब पता चला बेसिकली आपको इसके पीछे का रैशनल है वह समझ में आना था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राइट। भारत में सकल घरेलू बचत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक योगदान देता है? विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट शेयर ऑफ द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स इन इंडिया? देखिए याद रखिएगा, जो हमारी घरेलू सेविंग्स है, हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेविंग्स है, वह सबसे ज्यादा जो है हमारी सेविंग्स के अंदर भाग देती है। जितनी हमारी सकल घरेलू जो भी सेविंग्स रहने वाली है उसके अंदर जो हमारी हाउस होल्ड सेविंग, मतलब हमारे पास में पैसा आता है ना घर के अंदर, हम लोग क्या करते हैं उसको सेविंग्स में, बचत में लगा देते हैं, पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, सेविंग अकाउंट में डाल दिया, एफडी करवा दी। तो भारत के अंदर जितनी भी ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स है टोटल ए टू जेड जितनी भी भारत में सेविंग्स हैं, वो ना ही तो यहाँ पे कोई इनको सार्वजनिक कंपनियों से आ रही है, ना ही सरकार के कारण आ रही है, और ना ही कोई बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां जो सेविंग के अंदर पैसा डालती है। पैसा कौन डालता है सबसे ज्यादा? भारत की जनता, भारत की जनता, हाउस होल्ड सेक्टर, जो घरेलू क्षेत्र है, हम लोग सबसे ज्यादा पैसा क्या करते हैं प्रतिभा जी, एकता जी, सेविंग में विश्वास ज्यादा रखते हैं। तो सकल घरेलू बचत ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है ना, इसमें क्या क्या आएगा, हाउस होल्ड सेक्टर भी आ गया आपके पास में, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर हो गया, और हाउस होल्ड सेक्टर ही बेसिकली यहाँ पे क्या है, लार्जेस्ट है, मतलब 36% के करीब जो है, अगर हमारे भारत की बचत 100 रुपए है ना, उसमें से 36 रुपए आपकी और मेरी और हमारे पेरेंट्स की जेब से आता है, जो हमने बैंक में डाला ना, जो हमारी बचत है ना, वो बैंकों के पास में बचत का पैसा करता क्या है? आपको क्या लगता है, आपकी सैलरी आई, आपने सपोज सैलरी का आधा हिस्सा यूज कर दिया, आधा हिस्सा आपके खाते में पड़ा है, ठीक है ना, उसको आपने सेविंग की फॉर्मेट में रखा हुआ है, अब वो बैंक क्या कर रहा है उसका, बैंक उसको लोन दे रहा है कोई न कोई इंडस्ट्री को, कोई न कोई दूसरी सेक्टर को, तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, और यह सेगमेंट बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, भारत सरकार इससे लोन लेती है, बड़ी बड़ी कंपनियां इससे लोन लेती हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इससे चलते हैं, आपकी सेविंग कईयों के घर चलाती है सर, ठीक है ना, जाने अनजाने आपका तो चलता ही है, आपका तो चलता ही है, तो बची हुई सेविंग से भी पूरा देश चलता है सर। और भारत की जो नेशनल सेविंग्स है ना, उसके अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग के अंदर आपकी सेविंग 36% है सर आपकी, मतलब आप सभी इंडियंस की, हम सभी इंडियंस की, यह याद रखिएगा। चलिए, सो एज अ नॉन मेंबर हु कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब जो यहाँ पे गैर सदस्य, मतलब सदस्य नहीं है पार्लियामेंट का, संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा किसी का सदस्य नहीं है, पर वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ही हैज अ राइट टू ऑडियंस, राइट टू पार्टिसिपेट। क्या यहाँ पे राष्ट्रपति कर सकता है? राष्ट्रपति तो यहाँ पे दोनों में नहीं कर सकता, राष्ट्रपति राज्यसभा में, उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा में कर सकता है, इज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, पढ़ा था ना अपन ने राज्यसभा के समय पढ़ा था ये। चीफ जस्टिस क्या कर सकता है? नो सर, ही इज अ जुडिशरी का सबसे हाईएस्ट ऑफिसर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ पर्टिकुलर हाई कोर्ट, है ना। तो वह बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा के सामने आकर के पार्टिसिपेशन थोड़ी करेंगे, नो सर,
है ना, ये तो ये क्या होगा, इंटरफेरेंस हो जाएगी कि सर एक जज आकर के बीच में क्या कर रहा है। जैसे कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहले एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो आज की तारीख में गोगोई साहब है ना, तो वो आज की तारीख में जैसे राज्यसभा के क्या है, एमपी है, हाँ अब वो राज्यसभा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर वो भी दोनों जगह नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, याद रहा है, ठीक है ना। फिर तीसरा है अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल जो है हमारे पास में, ही इज द काइंड ऑफ लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकारी वकील होते हैं, तो सरकार का मत रखना और सरकार के हितों के रूप में राइट टू ऑडियंस भी रखते हैं ये थ्रू आउट द कोर्ट ऑफ द इंडिया, किसी भी भारत की टेरिटरी में हर कोर्ट में भारत सरकार का मत रख सकते हैं ये, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी जिले का कोर्ट, किसी भी कहीं का भी कोर्ट हो, कैसा भी ट्राइब्यूनल हो, हर जगह पे भारत सरकार का मत रखेंगे। पार्लियामेंट में भी भारत सरकार के बिहाफ पे ये कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर याद रखना ये वोटिंग नहीं करेंगे, लोकसभा में, राज्यसभा में, या लोकसभा राज्यसभा की पार्लियामेंट की कोई कमिटी में, यह ही होल्ड्स अ पार्टिसिपेटिंग इन द राइट टू ऑडियंस, ही ऑल्सो हैव अ राइट टू रिप्लाई, है ना, ये कहीं ना कहीं उसमें जवाब, सर वकील हो ना आप, तो सपोज सर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फंस रही है, तो ये बेसिकली अटॉर्नी जनरल साहब सामने आकर के वक्तव्य दे सकते हैं कि सर ये इस पर क्लैरिटी है, कोई कमेटी के सामने आकर के वो सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, तो ही विल पार्टिसिपेट करेंगे प्रोसीडिंग्स के अंदर, बट ही विल नॉट वोट, याद रखना इनको वोटिंग अधिकार नहीं होता है, मतदान का अधिकार नहीं होता, कोई बिल के ऊपर, कोई रेजोल्यूशन पे, कोई प्रस्ताव पे, यह पक्ष में या विपक्ष में कोई भी मतदान नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मेंबर तो नहीं है, परंतु ये दोनों सदन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या यह पॉइंट क्लियर हुआ, तो गिव मी अ थम्स अप, फिर आगे बढ़ते हैं। रितुल जी, वीरेंद्र जी, नेहा जी, प्रतिभा जी, जल्दी से बता दीजिए क्या यह पॉइंट क्लियर हुआ अटॉर्नी जनरल के बारे में। राइट, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, और वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है आपके पास में के वेणुगोपालन। और आपको यह पता होना चाहिए, कि हमारे भारत में जब भी एक पर्टिकुलर कानून को, जैसे जिसको हम कहते हैं कोर्ट की अवहेलना जिसको कहा जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है बेसिकली क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग्स चला सकता है किसी व्यक्ति के खिलाफ, जिसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कहते हैं, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में किसी भी आदमी को ट्रायल लेने से पहले, उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने से पहले सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, अटॉर्नी जनरल से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। अटॉर्नी जनरल परमिशन देंगे तो उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कर पाएंगे, वो कानून के अनुरूप यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है क्रिमिनल या सिविल नेचर का वह शुरू किया जा सकता है। समझ में आई, तो अटॉर्नी जनरल जाने अनजाने में फैक्ट से शुरू किया और पूरा इसको अच्छे से समझने की कोशिश की। याद रखना, ही इज नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, वह सरकार के मुलाजिम नहीं होते, ही इज ओनली द लॉयर, और वो सरकार के बिहाफ पे होते हुए भी दूसरे केस भी ट्राई कर सकते हैं, सरकार के बिहाफ पे होते हुए, जैसे सरकारी अटॉर्नी जनरल तो है ही है, परंतु ये दूसरे प्राइवेट केस भी डील कर सकते हैं, पर ये वही केस लड़ेंगे जिसमें भारत सरकार पार्टी नहीं है, मतलब सपोज एक एक्स वाई पर्सन आता है इनके पास में, है ना, किसी एक पर्टिकुलर यूपी में, लखनऊ से आता है, और वो कहता है कि सर यहाँ पे मेरा ये प्रमुख मुद्दा है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में चल रहा है, प्लीज़ ये आपकी फीस लीजिए और प्लीज़ मेरे सुनवाई में आप मेरे लॉयर बन जाइए, ये बन सकते हैं जब तक कि भारत सरकार उसमें विपक्ष की पार्टी नहीं है। ये कल की तारीख में कोई आ सकता है कि आप भारत सरकार के भी वकील हो और आप मेरे भी वकील बन जाओ, तो इनके ऊपर धर्म संकट हो जाएगा ना, तो यह याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ही इज नॉट, और इसके जो भी सैलरी और इमोल्यूमेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है ना, यह याद रखना। वो भी इनका कोई कार्यकाल भी फिक्स नहीं होता है, ही सर्व्स अंटिल द प्रेजर ऑफ द पार्लियामेंट, प्लेजर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो इसको प्रेसिडेंट कह सकते हैं, जब तक सरकार है तब तक, क्योंकि सरकार के वकील है ना, जब सरकार गिरी तो ये भी जाएंगे, नई सरकार आएगी, नया अटॉर्नी जनरल आएगा, तो इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, बीच में 6 महीने में भी हट सकते हैं, 5 साल भी पूरे रह सकते हैं, अगले 5 साल भी और रह सकते हैं, डिपेंड ऑन सरकार और इनकी केमिस्ट्री के बीच में, ठीक है, समझ में आई बात। अगर समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अटॉर्नी जनरल इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो हमारी पार्लियामेंट के अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों के अंदर ही इज अ राइट टू पार्टिसिपेट, पहली बात। तो दूसरी बात यहाँ पे बोला गया है आपके पास में, ही हैज राइट टू स्पीक, यह वक्तव्य भी दे सकते हैं, जो जॉइंट सिटिंग भी होती है, कई बार क्या होता है सर, ये लोकसभा और राज्यसभा के बीच में टसल हो जाती है कोई कानून को लेकर के, तो दोनों की क्या होती है, फिर जॉइंट सिटिंग होती है यहाँ पे, और उस संयुक्त सदन के अंदर, संयुक्त बैठक के अंदर भी ये बेसिकली क्या है, राइट टू स्पीक रखते हैं, उस पार्लियामेंट की उस प्रोसीडिंग में भी, चाहे अलग अलग हाउसेस अलग अलग बैठे हैं, चाहे दोनों हाउस साथ में बैठे हैं, जॉइंट सिटिंग है, दोनों जगह पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, पर याद रखना वोटिंग नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, है ना, वोटिंग नहीं करने वाले हैं। अक्षत जी, व्हाट इज माई नेम, माई नेम इज जगदीश चंद्र जांगिड़, ठीक है ना। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे मेरा प्रोफाइल लिंक भी मिल जाएगा, उस प्रोफाइल लिंक पे जाकर के फॉलो भी कर लेना। आगे बढ़ते हैं,
The Panchayati Raj system under 73rd Constitutional Amendment Act 1993 does not apply to what? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू नहीं होती? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था आती है पर सिर्फ उसी एरिया में जो ग्रामीण है, पहली बात। दूसरा बात, यहाँ पे बात की जाती है कि जो ट्राइबल एरिया है वहां पे नहीं गई थी, जो स्केड्यूल एरिया है वहां पे इसको लागू नहीं किया गया था। भारत के संविधान के अंदर यहाँ पे 12 अनुसूचियां हैं, 12 स्केड्यूल से, यहाँ पे पांचवें और छठे जो अनुसूची है उसको यहाँ पे स्केड्यूल एरियाज भी कहा गया है, जो भारत के अलग अलग जगह पे है, कोई राज्य का एक पर्टिकुलर हिस्सा हो सकता है और कई बार पूरे राज्य को भी यहाँ पे जो है अनुसूची के अंदर रखा जा सकता है। तो पांचवीं और छठी अनुसूची राज्य, जिसको हम अनुसूची, जिसको फिफ्थ स्केड्यूल एरिया और सिक्स स्केड्यूल एरिया, अनुसूचित एरिया कहा जाता है, ठीक है ना, तो उन एरियाज के अंदर बेसिकली यह नहीं जाता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि यहाँ पे नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, इसके अंदर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं की गई थी। आपको यह पता होना चाहिए कि 1993 का जो ये एक्ट आया था, संविधान में संशोधन किया गया था, 73वां संविधान संशोधन, और यहां पे हमने एड ऑन किया था 11वां स्केड्यूल, 11th स्केड्यूल जो पंचायती राज की बात करता है, वो इसके अंदर क्या नहीं आया, ये नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के अंदर ये लागू नहीं किया गया था। अगर यह पॉइंट क्लियर हुए हैं अक्षत जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी का, आगे बढ़े तो नागालैंड, मिजोरम और यहाँ पे NATM भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। आगे बढ़ते तो यहाँ पे जो प्रोविजन 11 है ना, जो पार्ट 11 है, प्रोविजन ऑफ द पार्ट 11 आर नॉट एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग, पूरा नागालैंड, पूरा मेघालय और पूरा मिजोरम, यहाँ पे जो भी हिल एरिया है, यहाँ पे हिल काउंसिल चलती हैं अलग से, सिक्स स्केड्यूल एरिया के अंदर ऑटोनॉमस हिल काउंसिल चलती हैं, इनको ज़्यादा स्वायत्तता दी जाती है अपने नियमों को बनाने के लिए, अपने समाज को चलाने के लिए, ट्राइबल जो भी इनके टेनेट्स होते हैं, इनके रिचुअल्स होते हैं, उसी अनुसार इनका समाज चले, गेटिंग इट। तो इस एरिया में भी आप कहीं ना कहीं पंचायती राज व्यवस्था लेके आते हैं क्या मनोरमा जी, पीपी, नेहा, रिंकी, यहां पे कहीं ना कहीं वीरेंद्र, एकता और ऋतु, क्या हम यहां पे भी कहीं ना कहीं पंचायती व्यवस्था लेके आते हैं? हाँ सर, पर इसके लिए अलग से कानून आता है जिसको हम पेसा कहते हैं, PESA लिखो, PESA, पेसा एक्ट, पेसा की फुल फॉर्म लिखो, पंचायती राज एक्सटेंशन टू स्केड्यूल एरिया एक्ट, है ना। तो जो पंचायती राज नॉर्मल आया 73वां संविधान संशोधन 1993 पूरे भारत में लगता है इन तीन राज्यों को छोड़ के, ट्राइबल एरियाज को छोड़ के, और इस ट्राइबल एरियाज, इस स्केड्यूल एरियाज के अंदर अगर मेरे को पंचायती राज लगाना है तो इसके लिए मैं अलग से पार्लियामेंट से एक एक्ट लेके आता हूं, अब पंचायती राज को एक्सटेंड करना है, इसका विस्तार करना है स्केड्यूल एरिया तक, फिर इन राज्यों के अंदर कहीं ना कहीं हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है वह एस्टैब्लिश होती है, जिसको हमने नाम दिया पेसा, पंचायती राज एक्सटेंशन टू स्केड्यूल एरिया एक्ट। अगर यह पॉइंट क्लियर हुआ, चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा विटामिन गर्मी में सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है? विच विटामिन इज मोस्ट रेडिली डिस्ट्रॉयड बाय द हीट? कि सर, थोड़ी सी गर्मी लगी और खत्म हो जाएगा सर ये। राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफिरोल और थायमिन। जल्दी से इसका आंसर देंगे, साइंस भी आपके कहीं ना कहीं क्या है, साइंस भी क्या है, आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो थोड़ा सा बता देंगे कौन सा विटामिन है जो थोड़ी सी हीट लगते ही नष्ट हो जाता है सर। देखिए, यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड आपको पता होना चाहिए, यह एक तरह का विटामिन है। ये क्या है? एक तरह का विटामिन है, यह गर्मी से आसानी से नष्ट हो जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या आपने सभी ने खाया है अभी? अरे भाई, एस्कॉर्बिक एसिड खाया है कि नहीं खाया है? विटामिन सी खाया है कि नहीं खाया है? COVID-19 में दबा दबा के, चबा चबा के, है ना। हाँ, कई लोगों ने तो पान में मिला के, गुटखे में मिला के, दिन में, रात में, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको खिलाए जा रहे थे। हाँ या ना, हाँ या ना, सबको खिला रहे थे ना अपन लोग ये। तो विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, और ये एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो हीट से बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है, है ना। यह ऑक्सीजन की गर्मी में 70 डिग्री से ऊपर नष्ट हो जाता है, और यह खाना पकाने के लिए जो पानी है उसमें लीक हो जाता है, बिकॉज ये पानी में घुलनशील विटामिन है, इसलिए पानी में घोल के भी पी सकते हैं अपन लोग इसको, और टेबलेट की फॉर्मेट भी ले सकते हैं। तो ये जिंक सी जो है ना, इसको लिम सी, जी सी, अलग अलग टाइप से, जैसे यहाँ पे जायकेयर है, इन्होंने बेसिकली ये पर्टिकुलर इस फॉर्मेट में बेचा था। हाँ या ना, सबको याद है या नहीं है? विटामिन सी हम सबको दी गई थी COVID-19 के टाइम में एज ए प्रीकर्सर, कि सर इम्यून रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा आपका। सर हर टाइम आपको याद रखो, विटामिन सी या दूसरे विटामिन खाने की आपको आवश्यकता ही ना पड़े, आप पहले से बेसिकली क्या रहो, तैयार रहो ना उन सब चीज़ों के लिए, तैयार रहो। अच्छा सर, हम तैयार कैसे रह सकते हैं? सर हम तैयार इस तरीके से हो सकते हैं कि वी कैन मेक श्योर के सीजनल फ्रूट खाओ और नेचुरल खाना खाओ, फास्ट फूड से थोड़े बचे रहो, और दिन में कम से कम जो है 200-250 ग्राम, मतलब 200-250 ग्राम कम से कम आप फ्रूट, सीजनल फ्रूट जरूर कंज्यूम करो, अगर आपकी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हो। एक्सरसाइज करो 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, मतलब कार्डियो, पूरा प्रॉपर पसीना छूटना चाहिए, बॉडी डिटॉक्स होनी चाहिए,
और कम से कम सीजनल फ्रूट खाओ, शक्कर को और नमक को कम कर दो, शुगर और सॉल्ट दोनों के दोनों स्वीट किलर्स हैं, है ना, एक तरीके से व्हाइट किलर्स कहा जाता है इनको, इनको कम कर दो, हाइपरटेंशन की दुनिया से और डायबिटीज की दुनिया से दूर रहोगे। क्योंकि एक बार बॉडी ने बीपी पकड़ ली, हाइपरटेंशन पकड़ लिया, फिर धीरे धीरे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो जाती है ना, इनसे दूर रहो। डायबिटीज अगर एक बार हो गई, मीठा खाने की आदत, लेट नहीं खाना है, इसलिए कहते हैं 7, 8, 9 बजे, 8 मैक्सिमम, 7 बजे तो बेसिकली लास्ट होता है स्टूडेंट के लिए, पर भाई पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल कॉलेज कुछ चल रहा होगा, तो उसके लिए मैं कह देता हूँ 8, उसके बाद में ये चीज़ों का थोड़ा समय बचा के चलो, ठीक है ना। स्किपिंग रोग भी कर सकते हो आप, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, है ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं BCG टीकाकरण। BCG टीकाकरण, सर BCG का टीका लगता है? बिल्कुल लगता है। कि ये जो टीकाकरण, ये जो इम्यूनाइजेशन है, ये किसके लिए? मीजल्स के लिए, ट्यूबरक्लोसिस TB के लिए, डिफ्थीरिया के लिए, अथवा लेप्रोसी के लिए, कुष्ठ रोग के लिए। तो ये किसके लिए है सर आपके पास में? खसरा, मीजल्स, तपेदिक जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, डिफ्थीरिया या फिर कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, किसके लिए? सर BCG का टीका लगता है हमको ट्यूबरक्लोसिस के लिए। किसके लिए लगता है सर ये? ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगता है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अलीशा जी आपने, आपका जितना सात्विक रूटीन है उतना अच्छा है। तो यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस के लिए BCG का टीका लगता है, BCG का जो इंजेक्शन है, आपको ये चीज पता होना चाहिए, इट इज फॉर प्रिवेंटिंग द TB। पीपल हु हैव नॉट बीन इन्फेक्टेड विद द डिजीज बट आर एट द हाई रिस्क ऑफ गेटिंग इट, है ना। तो यहाँ पे हर आदमी जो कहीं ना कहीं किसी खांसते हुए आदमी के पास चल रहा है, उसको TB हो सकता है। तो अगर ये BCG का टीका नहीं लगा होता है तो यहाँ पे आदमी ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन कैच ऑन कर लेता है, ठीक है ना। तो अगर COVID-19 के साथ में TB हो जाए, COVID-19 तो वैसे ही लंग्स खराब करता है और TB ऑल लंग्स खराब करता है, तो आदमी खांस खांस के और सांस सांस से पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए BCG का टीका हाल ही में वापस न्यूज में था, पता होना चाहिए। देखिए मैं सारी चीजें क्या पढ़ा रहा हूँ, करंट अफेयर स्टैटिक के साथ कनेक्ट करके। करंट में न्यूज है पर उसका वो डायमेंशन उठाओ जो एग्जामिनर सोच सकता है, जो एग्जामिनर सोच सकता है कि सर लिम्सी सबने सबने चबाई है, सबने वाइटामिन सी खाया है, पर क्या पता ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और क्या ये पता है कि नॉर्मल हीट पे खराब हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए सर, ठीक है ना। रीडर्स आर द लीडर्स, आज मैसेज आपको यहाँ पे कम्युनिटी में भी आया, टेलीग्राम ग्रुप में आया, सभी जगह पे मिला होगा। आज की यह क्लास आपने अगर एनरोल कर ली है तो आपको पता होना चाहिए, इसको लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। क्या यह कंटेंट अच्छा है, क्या पढ़ने में मजा आ रहा है और सीखने में कुछ नया मिल रहा है, तो ये क्लासेस को डेली 1 बजे जरूर फॉलो करेंगे, मेक इट अ रिचुअल। सेकंड चीज जो यहाँ पे आप एनरोल कर लीजिए, अभी 2:30 बजे हम वापस मिलने वाले, मतलब हाफ एन आवर के ब्रेक के बाद में हम यहाँ पे जुडिशरी की सेकंड पार्ट लेने वाले, इसी क्लास का सेकंड पार्ट होगा, अनअकैडमी एप्लीकेशन पे होगा। और इसका लिंक जो है आपको मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल है जगदीश चंद्र जांगिड, उसको क्लिक करके फॉलो करेंगे। जब यहां पे आप फॉलो कर लेंगे उस प्रोफाइल पे जाकर के, और जो अभी क्लास होगी वो फ्री क्लास होगी, विद इस 10 कोड को यूज करके आप उस क्लास को यहां पे एनरोल भी कर पाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी यह क्लास आपको अभी मिलने वाली है, स्पेशल क्लास होने वाली है, इंटरेक्टिव होगी, PDF भी मिलने वाला, यूट्यूब की क्लास का PDF भी उसके साथ ही मैं देने वाला हूं। एक और चीज, आज शाम को 4:45, 5 बजे के करीब हमारी जो प्लस क्लास होती है GKGS करंट अफेयर की, वह आपकी प्लस क्लास कैटेगरी में, जो प्लस और आइकॉनिक स्टूडेंट है उस क्लास को जरूर एनरोल कर ले, मेरे प्रोफाइल में जाकर के देखेंगे, कोर्स ऑन द GKGS करंट अफेयर फॉर जुडिशरी एग्जाम, उसको एनरोल कर ले। और जो लोग देख रहे हैं वो प्लीज इसको रिव्यू जरूर करें, योर रिव्यू इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो दैट वी हैव एन आइडिया कि बच्चों की तरफ से वापस रेस्पॉन्स क्या आ रहा है उस चीज का। टिल नाउ इट हैज बीन मार्वेलस, आई वॉन्ट टू हियर बैक फ्रॉम यू गाइज, ओके। और हाँ, आज 26 तारीख है, शाम को 4:45 प्लस क्लास शुरू होने वाली है, ठीक है ना। सो यहाँ पे सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्लॉक इज टिकिंग, मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग द रूटीन ऑन अ डेली बेसिस, एंड आई वेलकम यू ऑल टू ज्वाइन आवर लिंकिंग प्लस कोर्स। और इस प्लस कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं, 1 ईयर लॉन्ग बैच होगा, पेड क्लासेस होगी, बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर्ड और एक्सपर्ट गाइडलाइन के साथ में प्लान वे में कोर्स चलने वाला है। आइकॉनिक में भी आप आ सकते हैं, आइकॉनिक और प्लस में डिफरेंस ये रहेगा कि प्लस में सारी क्लासेस मिलेगी आपको बेस्ट वे में एप्लीकेशन पे, और लाइव क्लासेस के अलावा आइकॉनिक में आपको 1-to-1 मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग और यहाँ पे मेंस फोकस्ड टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। यह आइकॉनिक है, प्राइस थोड़ा डिफरेंस रहेगा, इसका प्राइस थोड़ा सा कम रहेगा, इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स है तो प्राइस थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो आप EMI में भी ले सकते हो और वन टाइम पेमेंट भी कर सकते हो। दोनों केस के अंदर विद इस 10 कोड को यूज करना, इस कोड को VIDISH1 कोड को, इस कोर्स को यूज करते हुए चलेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है, ठीक है ना। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका सब्सक्रिप्शन पेज भी है, वहां पे जाकर के आप राइट अवे सब्सक्राइब भी कर पाएंगे, विद इस 10 कोड को यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, एंड यू विल गेट माय एक्सक्लूसिव मेंटरशिप फॉर द क्लासेस एज वेल। प्लस हमारे इन बैचेस में आएंगे, चाहे लिंकिंग, चाहे रिवीजन, चाहे मेंस स्पेसिफिक, सर एक ही फीस के अंदर आप सारे बैचेस जो हैं यहाँ पे एनरोल कर पाएंगे, MP, दिल्ली या फिर राजस्थान या हरियाणा, स्पेसिफिक कोई भी आपके पास में प्रेजेंट और फ्यूचर में
जो भी आपके सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन में कोर्स रहेगा वो आपको अवेलेबल होगा हर फैकल्टी का, राइट? ये याद रखेंगे। और हाँ, स्पेशल क्लास है 2:30 बजे, भूलना नहीं है। अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, मेरे प्रोफाइल को जाके फॉलो कीजिए, और आज की जो 2:30 बजे की क्लास है इसको फॉलो कीजिए। विद स्टैंड कोड को अप्लाई करना है क्लास में आने के लिए, अनलॉक करने के लिए, और नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिले इसलिए अनअकैडमी लिंकिंग लॉ हमारा जो ऑफिशियल चैनल है इसको जरूर फॉलो कर लो। और यहाँ कैप्टन जी के JJ सर या एडमिन सेक्शन में जाकर यू विल बी एबल टू टेक्स्ट एनी क्वेरी रिलेटेड टू द एग्जाम। और हाँ, इस वीडियो के अंदर कहीं भी आपको लगता है कि सर कुछ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है बाय मिस्टेक, तो प्लीज उसको रिपोर्ट कर सकते हैं थ्रू गूगल फॉर्म, एंड फर्स्ट टू रिपोर्ट विल ऑल्सो क्लेम अ प्राइज फॉर द सेम। थैंक यू क्लास, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, सी यू इन द 2:30 PM का स्पेशल क्लास। तो कौन कौन आ रहा है जल्दी से कॉमेंट करके बता दो कि सर वी आर सींग यू इन द लाइव क्लास। सी यू लाइव at 2:30 स्पेशल क्लास, और फिर है हमारी प्लस क्लास 4:45 लगभग 5 बजे। थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली दोस्तों।